नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय जल के तापमान का क्षितिज वितरण। कल हमने महासागरीय जल के तापमान का सामान्य वितरण पढ़ा था, आज हम उसका क्षितिज वितरण किस प्रकार का है वह पढ़ेंगे। तो सामान्यतः महासागरों के जो ऊपरी सतह का तापमान होता है वह भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं समुद्रों का तापमान भी घटता जाता है। भूमध्य रेखा के समीप महासागरों का जो सतही तापमान होता है वह 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर तापमान में गिरावट होती है। तापमान में ये जो गिरावट है वह साधारणतः प्रत्येक अक्षांश के साथ आधा डिग्री की दर से होती है, मतलब आधा डिग्री कम होता जाता है प्रत्येक अक्षांश पर। विभिन्न अक्षांशों पर सतही जल का औसत जो होता है वो निम्न प्रकार से होता है, जैसे 0 डिग्री अक्षांश पर 26 डिग्री सेंटीग्रेड, 23.5 डिग्री अक्षांश पर 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 डिग्री अक्षांश पर 13 डिग्री सेंटीग्रेड और 66.5 डिग्री अक्षांश पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 80 डिग्री अक्षांश पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड सतही जल का तापमान होता है। सभी महासागरों का जो औसत वार्षिक तापमान है वह 63 डिग्री फारेनहाइट या 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड निश्चित किया गया है, लेकिन प्रशांत महासागर की सतही जल का तापमान जो है वह अन्य सभी महासागरों से अधिक होता है, जो कि 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड अंकित किया गया है। अटलांटिक महासागर में यह तापमान 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड तथा हिंद महासागर में 17.03 डिग्री सेंटीग्रेड पाया गया है। सागरी सतह का सर्वाधिक ऊंचा तापमान फारस की खाड़ी में 34 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है। महासागरों की जो ऊपरी सतह का तापमान है वह ऋतु परिवर्तन के साथ वह भी परिवर्तित होता है। शीतोष्ण कटिबंध में समुद्री जल की ऊपरी सतह के ग्रीष्म और जाड़े की ऋतु के तापमान में 90 डिग्री फारेनहाइट या 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा एवं ध्रुवों के समीप यह अंतर बहुत कम होता है। महासागरों की ऊपरी सतह के तापमान में दैनिक तापांतर शायद 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है। साथ ही जो महासागरों का तापमान है जैसा कि मैंने ऊपर बताया है भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वह कम हो जाता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक रहता है। इसका कारण यही है कि उत्तरी गोलार्ध में जल की अपेक्षा स्थल अधिक है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की अपेक्षा जल अधिक है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध में अधिक है, यानी इसीलिए वहाँ पर तापमान जो है वह कम होता है जबकि उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापमान अधिक होता है। फिर भी दक्षिणी गोलार्ध के अंध महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर ठंडे दक्षिणी ध्रुव महासागर से मिले हुए हैं। उत्तरी गोलार्ध में अंध महासागर और प्रशांत महासागर उत्तरी ध्रुव महासागर से केवल संकीर्ण जल संधियों के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके बीच जल का स्वतंत्रतापूर्वक समागम भी नहीं हो पाता है। साथ ही जो स्थल से घिरे हुए समुद्र हैं उनका तापमान अलग होता है। खुले महासागरों और भूमि से घिरे हुए समुद्रों के बीच तापमान में भारी अंतर पाया जाता है। इस अंतर का मुख्य कारण जो है वह समुद्रों में पाई जाने वाली अंतर समुद्री कटकें हैं जो जल के स्वतंत्र बहाव को रोक देती है। इससे तापमान के वितरण में विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, यानी उसके अंदर जो कटक होते हैं वह पानी के बहाव को बाधा पहुंचाते हैं, इसी वजह से स्वतंत्र पानी का बहाव नहीं हो पाता और उसके तापमान में भी विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अंध महासागर और भूमध्य सागर की सतह पर जल का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 मीटर की गहराई पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, परंतु 4,270 मीटर की गहराई पर अंध महासागर के जल का तापमान 1.7 डिग्री रहता है, जबकि भूमध्य सागर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही जो लाल सागर है उसमें भी तापमान की यही अवस्था देखी गई है। बाबुल मंडप जल संधि के निकट जो पहाड़ी की रुकावट के कारण लाल सागर और हिंद महासागर अलग हो गए हैं, इस स्थान पर समुद्र की सतह का तापमान 85 डिग्री फारेनहाइट या 29 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, परंतु गहराई के साथ साथ यह कम भी हो जाता है। इस स्थान की गहराई 200 फैदम है, अतः इस गहराई पर जल का तापमान 70 डिग्री फारेनहाइट या 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है।
क्योंकि इस सीमा तक हिंद महासागर का ठंडा जल लाल सागर के जल में मिल जाता है। इस सीमा के बाद लाल सागर के जल के तापमान में निम्नतम गहराई पर भी वही रहता है जो पहाड़ की सीमा पर पाया जाता है, किंतु हिंद महासागर में जल का तापमान गहराई के साथ कम होता चला जाता है। हिंद महासागर की ओर अदन की पहाड़ी खाड़ी में 120 फैदम की गहराई पर जल का तापमान 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। इसी प्रकार का प्रभाव हम उत्तरी ध्रुव महासागर और उत्तरी अंद महासागर के बीच जल परिवर्तन से भी देख सकते हैं। जैसे कि स्कॉटलैंड के उत्तर से ग्रीनलैंड तक अंद महासागर के भीतर एक वायवेल्ले थोमन नामक कटक फैली हुई है। यह कटक के ऊपर फेरो और आइलैंड द्वीप खड़े हैं। यह कटक उत्तरी ध्रुव महासागर की तली का ठंडा जल उत्तरी अंध महासागर में आने से रोकती है, इसलिए उत्तरी अंध महासागरीय प्रवाह का गर्म जल दक्षिणी पश्चिमी यूरोप पर इतना अधिक प्रभाव डालता है कि इस कटक के अभाव में दक्षिणी पश्चिमी यूरोप पर गर्म धारा का इतना अधिक प्रभाव कभी संभव नहीं हो पाता। फिर भी किसी तरह उत्तरी महासागर का ठंडा जल डेविस जल संधि और लेब्राडोर की धारा के रूप में उत्तरी अंध महासागर में तथा बेरिंग जल संधि के द्वारा कम चटका धारा में उत्तरी प्रशांत महासागर में मिलता है। तो वास्तव में कहने का तात्पर्य है कि जो महासागर चारों ओर स्थल से घिरे हुए होते हैं उनके तापमान में और खुले महासागरों के तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।